बात स्वागत आपका एक बार फिर से। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान नहीं किया। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। कोर्ट में एक याचिका डाली गई है मिल्कीपुर सीट को लेकर, और इसी पिटिशन की वजह से उपचुनाव की तारीख का ऐलान मिल्कीपुर में नहीं हुआ है। तो मिल्कीपुर जो कि अयोध्या में ही मौजूद है, फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत मिल्कीपुर विधानसभा सीट आती है, और यहां से समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया है। अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद से सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनके बेटे को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने फिलहाल किसी भी कैंडिडेट को अनाउंस नहीं किया, लेकिन इस सीट पर तारीख का भी ऐलान भी नहीं हुआ है। मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान आज नहीं हुआ है। इंतजार इस सीट को लेकर भी था। उत्तर प्रदेश में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कहीं पर विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से सीट खाली हुई तो वहां उपचुनाव होना है, और कहीं पर सदस्यता रद्द होने की वजह से उपचुनाव हो रहा है, जैसे कि कानपुर का सीसामऊ सीट। और मिल्कीपुर सीट से विधायक थे अवधेश प्रसाद, जो कि अब सांसद बन चुके हैं फैजाबाद से, जिसकी वजह से वो सीट खाली हुई। उनके बेटे को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, लेकिन इस सीट पर फिलहाल तारीख का ऐलान नहीं हुआ है कि उपचुनाव कब होगा। अदालत में एक पिटीशन दाखिल है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, उस पिटीशन में क्या है, क्यों इस सीट पर तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, और पिटीशन को लेकर अदालत में क्या स्थिति है? देखिए, पूरा मामला 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे। आपको याद होगा कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा फैजाबाद से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो चुनाव जीते थे। उनके अगेंस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे गोरखनाथ बाबा, उन्होंने मुकदमा उनके खिलाफ कर रखा है पूरे इलेक्शन को लेकर के, जो पूरा मिल्कीपुर का रिजल्ट आया था उसको लेकर के। तो उसकी सुनवाई अभी भी लखनऊ की जो हाईकोर्ट की खंडपीठ है वहां पर सुनवाई चल रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस वजह से मिल्कीपुर का जो पूरा इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है उस पर, क्योंकि जो है वाद अभी चल ही रहा है, तो ऐसे में उस पर रोक लगाई हुई है और वहां का ऐलान नहीं किया है। अब पूरा मामला लोगों के बीच बड़ा कन्फ्यूजन था, क्या इस बार के लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड कुछ है। तो इस बात को साफ कर दूं मैं कि यह पूरा का पूरा मामला 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से पूरा पिटीशन दिया गया है। और वो रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे, न सिर्फ कार्यप्रणाली से पूरे इलेक्शन के, बल्कि रिजल्ट को लेकर भी उन्होंने कई सारे सवाल उठाए थे। उन सारी चीजों को मुद्दा बनाते हुए करीब 2 दर्जन से ज्यादा पॉइंट थे जिनको लेकर के उन्होंने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मुकदमा दायर किया था। तो मुकदमा कानूनी पेचीदगियां क्या है, क्या पिटीशन वापस ले लेने के बाद वहां पर इलेक्शन का रास्ता आसान हो सकता है, या फिर जब तक सुनवाई और फैसलों से वो संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक वहां पर उपचुनाव नहीं होगा? क्योंकि वहां से जो विधायक बने थे, जिनके इलेक्शन जिनके जीतने को लेकर परेशानी थी, वो अब तो अब सांसद बन चुके हैं, लेकिन वहां की जनता जिस उपचुनाव का इंतजार कर रही थी वो उपचुनाव नहीं हो रहा है। और देखिए, ये मामला क्योंकि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सब ज्यूडिस है, तो ऐसे में जब तक कोर्ट की तरफ से एक कोई फैसला ना आ जाए इलेक्शन की तारीखों के ऐलान को लेकर के, या फिर उस पूरे मामले का जो आरोप प्रत्यारोप उनकी तरफ से लगाया गया है इसका प्रक्षेप ना हो जाए, तब तक इलेक्शन कमीशन कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर ऐलान हो गया है। 1 सीट को लेकर के इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं से अपनी एफिडेविट लगातार लगा रहा है, तो इस पूरे मामले पर निगाह बनाए रखेंगे।